अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको जरूर से पता होने चाहिए, बिकॉज इस बार यहाँ पे काफी मेजर चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। तो कौन कौन से ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि आपको जानने जरूरी है, इस वीडियो के अंदर हम लोग कम्प्लीटली जानेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कब से कब तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 8 अक्टूबर रहेगी, तो आप इससे 5-6 दिन पहले तक ही अपना फॉर्म फिल करा लीजिएगा। ज्यादा डिले मत कीजिएगा अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो। साथ ही गाइस, यहाँ पे टीयर वन एग्जामिनेशन आपका दिसंबर 2022 के अंदर शेड्यूल है। एंड मेजर चेंज सबसे पहले की अगर हम लोग बात करें तो जो टीयर वन है आपका, अब वो क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है। टीयर वन के अंदर पहला चेंज आपको ये देखने के लिए मिला है कि अब टीयर वन क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है। आप लोग 16.11 ये जो पॉइंट है इसमें पढ़ सकते हैं, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर टू एग्जामिनेशन ओनली। दैट इज टीयर वन अब यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आप लोग एक नंबर से क्लियर करते हैं या फिर आप लोग का मार्जिन ज्यादा भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टीयर वन आपने क्लियर कर लिया, आप टीयर टू के स्कोर के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये चीज यहाँ पे देखनी होगी, ये मेजर चेंज है। दूसरी बात ये है कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको सेक्शन सेम ही देखने के लिए मिल रहे होंगे। रीजनिंग आपकी रहेगी, जीके रहेगी, मैथ्स रहेगी, लेकिन इंग्लिश के अंदर का यहाँ पे चेंज है। आप इसे देख सकते हैं, ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे अब आपसे पूछी जाएगी। पहले गाइज यहाँ पे जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाती थी, लेकिन अब गाइज यहाँ पे आपसे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पूछी जाएगी। आप देख सकते हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। वेटेज सेम ही रहेगा गाइस, आप यहाँ पे चेक करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के आपके। तो ये चीज तो सेम ही है, पैटर्न बिल्कुल सेम है कि 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के आपके। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 घंटा मिलेगा। बस इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस चेंज कर दिया गया है, आप इसे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंग्लिश का सिलेबस सिर्फ इतना दिया है टीयर वन का गाइस, जिसके अंदर लिखा है कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एटसेट्रा वुड बी टेस्टेड। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ गाइज यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन की जो नॉलेज है आपके यहाँ पे वही आएंगे। आपके यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, आपके क्लोज टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी, राइटिंग एबिलिटी वगैरह। तो ये चीज यहाँ पे टेस्ट होगी, यानी कि इसमें ग्रामर और वोकैब का रोल काफी कम यहाँ पे हो चुका है। तो होप सो गाइस आपको ये जो मेजर चेंजेस हैं टीयर वन के अंदर ये समझ में आ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं टीयर टू का। तो गाइस पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है, टीयर थ्री और टीयर फोर को एलिमिनेट किया है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होना था वो यहाँ से हटा दिया गया है, एंड टाइपिंग टेस्ट जो अलग से होता था वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है टीयर टू के अंदर ही। अब यहाँ पे इसको पूरा अलग से मैंने गाइस एक वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं, समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस सेशन वन आपका रहेगा जो कि 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसके अंदर 3 सेक्शन होंगे। पहला होगा मैथ्स एंड रीजनिंग का, दूसरा होगा इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस का। एंड गाइस यहाँ पे जो इंग्लिश आएगी वो इंग्लिश लैंग्वेज प्लस कॉम्प्रीहेंशन होने वाली है। तो यहाँ पे इंग्लिश जो होगी वो पहले जैसी ही आने वाली है जैसे पहले आई करती थी। बस यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ नंबर्स आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे चेंज किए गए हैं। और सबसे दूसरा मेजर चेंज ये है कि यहाँ पे अब 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली मेंशन है कि जो आपका एक ना क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे 3 नंबर का होगा, और यहाँ पे जो मार्क्स कटेंगे आपका 1 नंबर कटेगा गलत क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी आपकी टीयर टू के अंदर। टीयर वन के अंदर वही 0.50 की निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। दूसरी बात यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर नॉलेज ये मॉड्यूल अलग से ऐड किया गया है। एंड गाइस यहाँ पे डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड टेस्ट ये मॉड्यूल अलग से ऐड किया गया है। बात करें पेपर टू और पेपर थ्री की तो ये सेम ही रखा गया है जैसे पहले हुआ करता था, बस इसमें यहाँ पे चेंज किया गया है, आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे अब आपको जो टोटल आपका टीयर टू एग्जामिनेशन होगा अगर हम पेपर वन की बात करें तो वो यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट का होगा। एक 2 घंटा 15 मिनट का सेक्शन होगा, एक उसके बाद आपका सेशन टू होगा 15 मिनट का, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अब आपकी रीजनिंग भी इंक्लूड कर दी है, जनरल अवेयरनेस भी इंक्लूड कर दी है यहाँ पे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस का जो पूरा सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा प्री एंड मेंस का जैसे पहले हुआ करता था।
और यहाँ पे मैथ्स के अंदर यहाँ पे जो सिलेबस बताया गया है उसके अंदर गाइस एडवांस सेक्शन जो है उसको ज्यादा वेटेज यहाँ पे दी गई है, क्योंकि उसको एलेबरेट करके उसका सिलेबस लिखा गया है। बाकी जो नंबर सिस्टम आता है और जो यहाँ पे अर्थमेटिक आता है उसको यहाँ पे कंप्राइज करके लिखा हुआ है, छोटे में लिखा गया है। एंड यहाँ पे एडवांस का सिलेबस बिल्कुल एलेबरेट करके लिखा है, तो एडवांस का सेक्शन यहाँ पे ज्यादा होने वाला है मेंस के अंदर। आगे देख लेते हैं यहाँ पे गाइज एक मेजर चेंज और किया गया है, यहाँ पे जो आपकी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसे भी यहाँ पे ऐड किया गया है। गाइज यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए 1 जनवरी 2022 को। तो ये भी यहाँ पे गाइज कोविड के चलते ये स्टेप लिया गया है, यहाँ पे 1 जनवरी 2022 रखी गई है ताकि काफी सारे कैंडिडेट्स का अटेम्प्ट यहाँ पे बच पाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही डेट रखी गई थी 1 जनवरी 2022। आगे देख लेते हैं यहाँ पे गाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज गाइज यहाँ पे 20,000 बताई गई है, तो 20 के यहाँ पे वैकेंसीज प्लस भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे टेंटेटिव अप्रोक्स वैकेंसीज बताई गई है, एग्जैक्ट डाटा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिन बाद अपलोड किया जाएगा। आगे देख लेते हैं साथ ही गाइस यहाँ पे और भी मेजर चेंजेस आपको देखने के लिए मिले हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप जब भी अपना यहाँ पे फॉर्म फिल करवाएं उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान देने होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश के अंदर अब आपको Tier 1 के अंदर अलग से प्रिपरेशन करनी होगी, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका पूरा सिलेबस है वो ही डिफरेंस हो चुका है उसके अंदर। रही बात Tier 2 की, तो Tier 2 भी यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, सबसे पहले कि यहाँ पे अनअकैडमी में बहुत जल्द प्राइस हाइक होने वाला है एसएससी एग्जाम्स नॉन टेक्निकल एंड रेलवे एग्जाम कैटेगरी का। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन इंश्योर नहीं किया है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, तो आप लोग PMIT कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2022 फॉर एसएससी एंड बैंक एग्जाम एस्पिरेंट कंडक्ट कराने वाला है अनअकैडमी, 100% फ्री है गाइस। ये 25 सितंबर सुबह 10 बजे ये स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, 100% फ्री है गाइस। यहाँ पे आप जाकर के इसमें एनरोल कर लीजिए, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके का कंपटीशन है, आपकी प्रैक्टिस होगी एंड स्कॉलरशिप जीतने का चांस भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, कोई कोड मांगा जाए तो PMIT कोड लगा के आप फ्री में इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए गाइस PMIT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर गाइस आपको यहाँ पे जितनी भी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, नोट्स, क्लास PDF, रेगुलर डाउट सेशन, क्लास रिकॉर्डिंग, सब कुछ गाइस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है। तो अपनी प्रिपरेशन का भी स्टार्ट कीजिए अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक ज्वाइन करके, एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMIT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।